नमस्ते भाई, कैसे हो तुम? देखिए, आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। कल आप लोगों ने बोला था कि सर हमें टाइम स्पीड और डिस्टेंस पढ़ना है, और मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सेवक हैं हम तुम्हारे, और मैं ये कोशिश करूँगा कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप हैं वो आज की क्लास में कवर हो जाएँ, जिससे कहीं ना कहीं आपको पेपर में ज़रूर फ़ायदा मिले। अब इस टॉपिक के बारे में आप जानते हो, इसका डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़ है। जैसा कि मोदी जी ने भारत में बुलेट ट्रेन चलाई हैं, तो आप उन बुलेट ट्रेन में सफ़र करके देखिएगा, है भाई। फिर भी पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, तो हम पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बातें होती हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, सभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टेंशन ना लो। आप एक ही बातें जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम, यहां तक कोई परेशानी? तीन वेरिएबल है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तीन वेरिएबल है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब कभी कभी ऐसा होता है, अगर तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ, मेरे प्यारे भाई, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ, मतलब दूरी चेंज नहीं की जा रही है, तो उस केस में, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, उस केस में स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होगा। क्लियर है? लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड नहीं चेंज की जा रही है, अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट है, स्पीड को नहीं चेंज कर रहे हो, तो स्पीड अगर फिक्स कर दी, तो जितना ज्यादा टाइम के लिए चलोगे उतनी ज्यादा दूरी चलोगे, टिकाऊ रहोगे। तो डिस्टेंस डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी? टाइम पे। जितना ज्यादा टाइम दोगे, डिस्टेंस भी उतनी ज्यादा चलोगे, इसमें कोई परेशानी। लेकिन अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम फिक्स कर दिया, जो कि फिक्स है नहीं किसी भी काम का, अगर टाइम फिक्स कर दिया, तो कहने का मतलब फिर आपकी डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी? स्पीड से। जितना भागम भाग रहोगे उतनी ज्यादा दूरी जाओगे, और जितना स्लो रहोगे उतनी कम दूरी जाओगे। यहां तक कोई परेशानी क्या है? बड़े बिल्कुल बहुत प्यार से मैं तुमको बता रहा हूं, कोनो परेशानी है क्या तुम्हें? परेशानी नहीं है। और मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया, ये बहुत सिंपल सी बातें थी। सवाल नंबर 1 के साथ मैं हाजिर हूं। आप ये सवाल पढ़िए, इनको सॉल्व करिए, यही सवाल आपके आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक मेरे प्यारे भाई, जय श्री राम। बताओ, हेलो। देखिए, ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड। एक ट्रेन खंबे को पार करती है 12 सेकेंड में। एंड ए ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड। ब्रिज तो काफी लंबा बनाया था पर टूट गया बारिश में। बारिश के सामने कहाँ टिकते हैं पुल वगैरह, वो बाहर के देशों में टिकते, यहाँ नहीं टिकते। तो केवल 170 मीटर का ही पुल है, उसको पार करती है 36 सेकंड में। तो बताइए ट्रेन की स्पीड क्या है? स्पीड बताने है ट्रेन की, आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। बड़ा ही सरल सा सवाल है, कुछ नहीं है। देखिए, जब भी एक ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस जाएगी? अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। लेकिन जब एक ट्रेन खंबे को पार करते ही, खंबा है, इसको पार करेगी, तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? अपनी लंबाई के बराबर। तो खंबे को पार करा 12 सेकंड में, पुल को पार करा 36 सेकंड में, तो ये गैप कितने का है? 24 सेकंड का। मतलब इस 24 सेकंड में ट्रेन ने क्या किया है? ये जो 24 सेकंड है, इस 24 सेकंड में ट्रेन ने, मेरे प्यारे भाई, पुल को क्रॉस किया है। पुल मतलब 170 मीटर। तो आप बताओ, अगर 24 सेकंड में 170 मीटर गई है, तो एक सेकंड में कितना जाएगी? 170/24, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। लेकिन आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5, तो 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। और ये 5 से कितना हो जाएगा तुम्हारा? 34। ठीक है भैया, तो 17/51/2 मतलब 25.5, 25.5 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है। बिल्कुल सुस्त है ट्रेन। क्या इसमें कोई परेशानी है? यार मुझे तो नहीं लग रहा इसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है। समझ में आया ना दोस्त?
ठीक है, इंग्लिश में बता रहे हैं, पोल को 12 सेकंड में और ब्रिज को 36 सेकंड में, तो कितना गैप आया 24 सेकंड, तो 24 सेकंड में क्या क्रॉस हुआ, ब्रिज 170 मीटर, तो एक सेकंड में कितना और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से गुणा। एक सवाल लीजिए भैया, एक बार वीडियो को शेयर तो करो, तभी तो मजा आए मेरे प्यारे भाई, थैंक यू भाई। देखो ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन पेपर में ये सवाल बहुत पूछा जाता है। ए ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ इट्स ओन स्पीड रीच्ड ए प्लेस इन 39 आवर्स, हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ओन स्पीड। देखिए अगर एक ट्रेन अपनी चाल की 9/13 से चले तो उसको 39 घंटे लगते पहुंचने में, या चाल कम कर देगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन सवाल में ये पूछा है कि अगर ट्रेन अपनी ओरिजिनल चाल से चलती तो ट्रेन कितना टाइम की बचत करती, आप ये बताओ। भैया ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 9/13, मतलब स्पीड पहले 13 थी तो 13 से घट के 9 हो गई, ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 13:9, मतलब अगर पहले 9 यूनिट टाइम लगता था तो अब 13 यूनिट टाइम लग रहा है, टाइम लग कितना रहा है 39 आवर्स, तो 13 यूनिट का मतलब 39 आवर्स से 3 गुना, आप बताओ भैया अब 13 यूनिट टाइम लग रहा है, पहले 9 यूनिट लगता था तो कितना 4 यूनिट की बचत होती, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मतलब 3 घंटा है, तो 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 12 घंटा, अगर ट्रेन अपनी ओरिजिनल चाल से चलती तो 12 घंटे की बचत करती। यार इससे भी आसान कुछ होगा क्या, ये स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है। बोलो मेरे प्यारे भाई आपको समझ आ रहा है ना सभी को, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें भी कोई परेशानी है, ठीक है ठीक, लाइक ठोक दो भैया इसी बात पे सभी लोग। बताओ सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 एक परफेक्ट क्वेश्चन है आपके अच्छे एग्जामों के लिए, मेंस के पेपर में भी ये सवाल आपको दिख सकता है, प्री के पेपर में भी दिखेगा, बहुत बढ़िया सवाल है, है भाई, और ये सवाल आदमी की प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। इफ ए पर्सन ट्रेवल्स इन ए कार एट ए स्पीड ऑफ 84 ही रीचेस ऑफिस 1 आवर लेट, अगर आदमी कार में जाता है 84 किलोमीटर/आवर की स्पीड से तो ऑफिस 1 घंटा लेट पहुंचता है क्योंकि कार स्लो चला रहा है, लेकिन अगर वो 108 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलाता है तो 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। और सवाल में आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, उसे कितने स्पीड से चलाना चाहिए अपनी गाड़ी को जिससे ऑफिस टाइम पे पहुंचे। तो यार ये तो आदमी भी हिसाब लगा सकता है, आज इतनी चाल से गया जल्दी पहुंचा हूं, आज इतनी चाल से गया लेट हूं, तो किस चाल से चलूं कि टाइम पे पहुंचूं, बताओ। तो आप ये बातें, सवाल बड़ा सरल है, देखिए ये सपोज ऑफिस पहुंचने का करेक्ट टाइम है, दिस इज करेक्ट टाइम, ये बॉर्डर लाइन है, करेक्ट टाइम, ये ऑफिस पहुंचने का करेक्ट टाइम है, लेकिन सवाल में दे रखा है, सवाल में आपसे दे रखा है कि जब आप 84 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जाते हो, कितने की स्पीड से, 84 की स्पीड से 84 किलोमीटर/आवर की स्पीड जाते हो, मैं पूरा डिटेल में बताता हूं, तो आप 1 घंटा लेट पहुंचते हो टाइम से, 1 घंटा ज्यादा लगता है, लेकिन जब आप 108 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जाते हो, 108 दनदनाते हुए जाते हो, तो भैया 20 मिनट जल्दी पहुंचते हो, 20 मिनट, लेकिन चलना नहीं, 108 से चालान कट जाता है, 40 की स्पीड से ज्यादा होती। तो आपसे पूछा किस चाल से चले कि ऑफिस टाइम से पहुंचे, आप बताओ मेरे प्यारे भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल है, स्पीड क्या है, पहले स्पीड 84 थी, स्पीड 108 है, तो स्पीड का रेशो 12:87 12:98, स्पीड का रेशो 7:9 है, तो बताइए क्या टाइम का रेशो रिवर्स नहीं होगा 9:7, आप कहोगे बिल्कुल सर टाइम का रेशो तो रिवर्स है 9:7, मतलब पहले 9 यूनिट टाइम था, अब 7 यूनिट टाइम है, तो गैप कितने का है टाइम में, 2 यूनिट का, जबकि गैप है कितने का टाइम में, पहले 1 घंटा 60 मिनट लेट था, अब 20 मिनट जल्दी है, तो 60 मिनट लेट 20 मिनट जल्दी, टाइम में गैप जो 80 मिनट का है, बताइए मेरे प्यारे भाई समझे।
अगर दो यूनिट का मतलब 80 मिनट है तो एक यूनिट का मतलब 40 मिनट है, तो 9 यूनिट का मतलब होगा 360 मिनट, और 360 मिनट का मतलब 6 घंटे होता है, 6 घंटे होता है। मैंने ये टाइम निकाल लिया 6 घंटे, 360 मिनट का मतलब 6 घंटे होता है। मतलब ये जो बंदा जब 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको 6 घंटे लगता है जाने में, तो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे लगता है। ये टोटल डिस्टेंस आ गई, ये टोटल डिस्टेंस आ गई मेरे प्यारे भाई। लेकिन लेकिन आपको ये भी तो समझना चाहिए, डिस्टेंस है, लगता है 6 घंटे पर एक घंटा लेट हुआ, यानी कि उसको 5 ही घंटा लगना चाहिए था। मतलब ये डिस्टेंस, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कितने समय में कवर करनी थी, 5 घंटे में, 5 घंटे में। तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा, इस स्पीड से। तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई डाउट है, क्या हो गया स्पीड, 84 गुणा 1.2, ठीक है, यानी कि 96 + 4.8 100.8, सी ऑप्शन। 100.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को दंदनाते हुए ले जाना चाहिए, बताओ। क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो है भाई, बोलो बोलो। अच्छे अंकित मलिक, थैंक यू है भाई। 84 की स्पीड पे एक घंटा ज्यादा लग रहा है, 108 किलोमीटर की स्पीड से 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो स्पीड का रेशियो 7:9, टाइम का रेशियो उल्टा हो गया, टाइम में गैप आया 2 यूनिट का, गैप है कितना, पहले 60 मिनट लेट था, 20 मिनट जल्दी है, तो 80 मिनट का गैप आ गया ना, तो 2 का मतलब 80 मिनट, 1 का मतलब 40, 9 का मतलब 360 मिनट, यानी कि 6 घंटा। यानी कि अगर वो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 6 घंटा लग रहा है, तो डिस्टेंस इतनी जा रहा है बंदा, 6 घंटा लग रहा है, एक घंटा लेट है, तो 5 ही घंटा में जाना चाहिए था, तो बटा 5। मेरी बात सारे बच्चे समझ गए, जो नहीं समझे उनको मैं समझाऊंगा बाद में। ये देखो सवाल, देखो कितना सुंदर सवाल है, इस मतलब ये सवाल इतनी बार पेपर में आया, इतनी बार पेपर में आया है, क्या ही बताऊं मैं, और ये सबको आता होगा सॉल्व करना, बताओ जल्दी से। मतलब एक बस है, अगर बस दंदनाते हुए जाए बिना रुके स्टेशन पे, वो बस अड्डे पर रुकी नहीं रही, तो बस की एक घंटा में स्पीड आती है 78 किलोमीटर पर आवर, लेकिन लड़के उसको हाथ दे दे के रोक ले रहे रास्ते में, अगर बस रुक रुक के जाती है तो उसकी स्पीड आ रही है 65 किलोमीटर पर घंटा, मतलब एक घंटे में 65 किलोमीटर ही चल पा रही है। तो सवाल में पूछा, बताइए एक घंटे में बस कितने मिनट रेस्ट कर रही है, कितने मिनट विराम ले रही है। यार इससे आसान सवाल क्या होगा, अगर बस दंदनाते हुए जाए बिना रुके तो एक घंटे में 78 किलोमीटर जाएगी, लेकिन रुक रुक के जाती है तो एक घंटे में 65 किलोमीटर ही जाती है, मतलब 13 किलोमीटर बस रेस्ट कर रही है, तो टोटल 78 किलोमीटर में 13 किलोमीटर बस ने आराम किया, तो आराम कितना किया है, 1/6 आराम कर रही है, 1/6 टाइम, टोटल है एक घंटा, एक घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट का 1/6 कितना होता है, 10 मिनट, तो 10 मिनट आराम कर रही है, है भी। क्या इससे आसान भी कुछ है क्या, बस को एक घंटे में 78 किलोमीटर जाना चाहिए लेकिन 13 किलोमीटर कम जा रही है, 13 किलोमीटर रेस्ट कर रही है, यानी कि 1/6 जो है वो स्टॉपेज पर खड़ी रही, चली नहीं, टोटल एक घंटा 60 मिनट का 1/6 कितना होता है, 10 मिनट स्टॉपेज पे रुकी है। भैया इससे आसान तो सवाल होगा नहीं, सवाल पेपर में 100% आएगा, एक सवाल और लेंगे जल्दी से आपके सामने। ये सवाल पूरे स्पीड एंड टाइम की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, ये जो क्वेश्चन है जो अभी आपके सामने आ रहा है, और मुझे इसका जवाब चाहिए आप लोगों से, बोलो। अच्छा भैया देखिए,
ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस हिज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट्स. मतलब एक आदमी अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन अगर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 18 मिनट लेट पहुंचता है. तो बताइए ऑफिस के उसके घर से ऑफिस तक की दूरी क्या है. आप मेरी बात समझे. देखिए अगर आदमी 30 की स्पीड से जाए तो 10 मिनट लेट, लेकिन 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 18 मिनट लेट. लेट तो हो ही रहा है, सुस्त आदमी है. तो घर से ऑफिस तक की दूरी क्या है. इस है बोलो. देखिए इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके आप रेशियो कर सकते हो. सबसे बढ़िया जो तरीका है कि इस सवाल की आप लैंग्वेज समझ रहे हैं. इतने की स्पीड से गया तो इतना लेट हुआ, इतने की स्पीड से गया तो इतना लेट हुआ. बताओ दूरी क्या है. जल्दी भी हो सकता है भाई. तो आप ये बताइए, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है दोस्त, मैं आपको डायरेक्ट चीजें बता रहा हूं कि अगर S1 की स्पीड से गया तो सपोज उसको T1 टाइम लगा, और अगर S2 की स्पीड से गया तो सपोज उसको T2 टाइम लगा. तो यहां पे डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का जो डायरेक्ट शॉर्टकट है ना, डिस्टेंस निकालने का, वो आप ध्यान रखिएगा. S1 S2 / S1 difference S2, ये डिफरेंस है बच्चे. डिफरेंस का मतलब होता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी है, इनटू डेल्टा टी. डेल्टा टी का मतलब है टाइम में डिफरेंस. डेल्टा टी का मतलब क्या है, टाइम में डिफरेंस. दिस इज द डायरेक्ट शॉर्टकट, वेरी इजी. इस लैंग्वेज का कोई भी सवाल, इतने की स्पीड से गया इतना टाइम लगा, इतने की स्पीड से गया तो इतना टाइम कम या ज्यादा लगा, डिस्टेंस बताओ. सिंपल सा है, बस डाटा ही तो रखना है. आप बताइए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, बाद में 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, S1 S2, स्पीड में डिफरेंस क्या है, 6. ये किलोमीटर पर आवर में चल रहा है. आप ये बताओ पहले कितना लेट हो रहा था, 10 मिनट, आज कितना लेट हो रहा है, 18 मिनट. तो टाइम में डिफरेंस कितने का है, 8 मिनट. पहले 10 मिनट लेट हो रहा था, आज 18 मिनट लेट है, तो टाइम में गैप कितने का है, 8 मिनट. लेकिन ये मिनट भी, जब ये सब किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो आपको भी तो टाइम मिनट उसमें लेना है, आवर में. तो यानी कि टाइम में गैप कितना है, 8 मिनट. 8 मिनट का मतलब क्या होता है, 8/60 आवर. तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, सीधा आपका किलोमीटर में आंसर आ जाएगा. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 30 और ये 2, 6 दूनी 12, दूनी 24 और 8 दूनी 16 किलोमीटर. तो दोस्त ये जो डिस्टेंस है कितनी है, 16. क्या इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है. नहीं, 84 108 वाले तरीके से भी हो जाएगा, आप रेशो से भी कर सकते हो, पर ये चीज सिंपल है क्योंकि ये फिक्स पैटर्न का सवाल है. ये पेपर में बार बार आता रहेगा डाटा चेंज करके. तो आप ये चीज अगर ध्यान है तो इससे बढ़िया तरीका नहीं होगा इस सवाल को करने का. क्लियर है, बताओ भैया. अबे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है कि नहीं पड़ता है, है भाई. बोलो 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 बोलो. वेरी गुड मेरे भाई. एक सवाल और बता दो इसी बात पे, इसी बात पे एक सवाल और बता दो जल्दी से, है भाई. बहुत इजी है तो भैया पेपर में इजी ही आएगा, कठिन थोड़ा ना आता है. बताइए, कठिन सवाल नेताओं के पेपर में आते हैं, ठीक है. तो इसलिए वो नेता बनना बड़ा कठिन है, उनका जो पेपर वो बहुत हार्ड होता है. नौकरी का पेपर बहुत आसान होता है, ठीक है. चलो इधर देखो, ध्यान से देखिए. A and B are traveling towards each other from the point P and Q respectively. देखो ध्यान से, दो बंदे हैं, दो बंदे ऐसे चलते हैं एक दूसरे की तरफ, समझे ना. दो बंदे ऐसे चलते एक दूसरे की तरफ, और क्यों चलेंगे तुम्हें सबको पता है, कुछ ना कुछ होगा. दो बंदे एक दूसरे की तरफ चलते हैं, बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे. After crossing each other, जिस सवाल में ये लाइन आ जाए, ये लाइन जिस सवाल में आ जाए,
एक दूसरे को पार करने के बाद जिस सवाल में ये लाइन आ जाए, आप तुरंत समझ जाना मेरे प्यारे भाई कि यहां पे जो है S1/S2 = √T2/T1 ये लगना ही लगना है। S1/S2 = √T2/T1 अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा है, मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उसे देखा है, वहां मैंने बताई है ये बात, आप तुम मेरी बात समझ रहे हो। After crossing each other, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद A और B को टेक 6:1/8 hour and 8 hour respectively to reach their destination Q&P. मिलने के बाद ये बंदे अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने पे इतना इतना समय लेते, मतलब ये T1 है, ये T2 है, पहला T1 दूसरा T2। अगर B की स्पीड 16.8 है तो A की स्पीड बताइए, ए पहला बंदा है, बी दूसरा बंदा है, आपसे ए की स्पीड पूछी है, बी की स्पीड कितनी है 16.8 बराबर √T2/T1। ये पहला टाइम, ये दूसरा टाइम, T2 का मतलब 8, T1 का मतलब 6, सही 1/8 मतलब 49/8। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, ये ऊपर चला जाएगा, 8 × 8 √8 = 49/7 यही है, तो यानी कि ये जो आ जाएगी 8:7। तो 7 का मतलब 16.8 है, कितने गुना, 7 × 2 = 14, 2.4 times, तो ये भी 2.4 times हो जाएगा, 24×8 = 192 होता है 19.2, तो एक स्पीड 19.2 किलोमीटर पर आवर, 19.2 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ ए। क्या मुझे इसमें कोई तकलीफ दिख रही है? बताओ 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 है भाई। तो आपको बात पता होनी चाहिए, S1/S2 = √T2/T1, ठीक है, ये बंदे की स्पीड पूछी है, दूसरे की दी है, टाइम आपको दिया हुआ है, क्लियर है, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं, भी बहुत आसान सा सवाल है, आप हमें ये वाला सवाल करके बताइए जल्दी से फटाफट। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोट एंड स्ट्रीम का ये वाला सवाल जो है फैशन में है, ये सवाल इस समय फैशन में है भाई, बोट एंड स्ट्रीम का पेपर में आ रहा है, बड़ा बेहतरीन बेहतरीन डाटा सेट करके जल्दी से बताइए। नाव चलाना आता है तुम्हें, तुम लोगों को, क्या तुम लोगों को नाव चलाना आता है, बैठे हो नाव में है भाई, ये ठीक है, पल्ले पड़ रहा है, ठीक, देखो ध्यान से, ए बोट कैन गो 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 54 मिनट। देखिए अपस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव की विपरीत दिशा में, जो वॉरियर आदमी होते हैं ना, जो योद्धा होते हैं, तो पानी इधर चलेगा आदमी उधर चलेगा, उसी को बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो एक आदमी अगर अपस्ट्रीम में जाता है 3.6 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जाता है भैया मेरे वो 5.4 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जाता है कितना 5.4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 3.6 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 5.4 किलोमीटर, तो समय लगता है कितना, समय लगता है 54 मिनट। देखिए समय लगता है 54 मिनट, आगे क्या बोला है, वाइल इट कैन गो 5.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, जबकि 5.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में समय लगता है 58.5 मिनट। कितना समय लगता है, 58.5 मिनट लगता है। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा बताइए नाव को 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, नाव को 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, मतलब कुल मिलाके आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड बतानी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड बतानी है कुल मिला के। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखिए यहां आप इस सवाल में चाहे तो यहां पे सेम कर लो अपस्ट्रीम को, ये दो इक्वेशन ही तो हैं, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, या फिर आप ऐसा समझिए मेरे भाई कि यहां पे शिफ्टिंग लग जाएगा। देखो सम कांस्टेंट है ना, दिस प्लस दिस 9 है, दिस प्लस दिस 9 है, सम कांस्टेंट है। देखिए मुझे निकालना है डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ये 5.4 है, 3.6 है, ये ज्यादा है ये कम है। देखिए मैं ये कह सकता हूं कि अपस्ट्रीम ने अपना 1.8 किलोमीटर,
अपस्ट्रीम 1.8 किलोमीटर कम हुआ तो डाउनस्ट्रीम 1.8 किलोमीटर बढ़ा, तो टाइम जो है कितना कम लगा, 4.5 मिनट कम लगा, टाइम 4.5 मिनट कम लगा। ठीक है, मैं शिफ्टिंग से बता रहा हूं इस सवाल को। अगर अपस्ट्रीम अपना 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम को दे दे, अपस्ट्रीम अपना 3.6 किलोमीटर, अपस्ट्रीम 3.6 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम को दे देगा, तो यानी कि डाउनस्ट्रीम कितना जाओगे, 9 किलोमीटर, तो टाइम कितना कम हो जाएगा। देखिए 1.8 पे 4.5, 3.6 पे दुगुना, 9 मिनट कम हो जाएगा टाइम, यानी कि टाइम कितना लगेगा, 45 मिनट, 54 - 9 45 होता है ना, 45 मिनट। तो ये पता चल गया कि 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 45 मिनट में, 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 45 मिनट में, 1 किलोमीटर 5 मिनट में, तो 10 किलोमीटर 50 मिनट में, ये आंसर है। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में शिफ्टिंग लगा है, हमने यहां पे ऐसे कोई तीर नहीं मारा है, क्या आप मेरी बात समझ ले? हाँ पंकज सिंपी कह रहे हैं घोड़ा चला लेते हैं। बेटा पंकज सिंपी ये जो है ना घोड़ा बहुत तेजी से पटकता है, क्या आप मेरी बात समझे? अपस्ट्रीम देखो 1.8 किलोमीटर कम हुआ, अगर अपस्ट्रीम अपना 1.8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम को लपकाता है तो 4.5 मिनट कम हो गया टाइम। अगर ये अपस्ट्रीम अपना 3.6 किलोमीटर यहां से हटा के डाउनस्ट्रीम को दे दे, तो डाउनस्ट्रीम 9 किलोमीटर हो जाएगा, तो टाइम कितना कम हो जाएगा, 1.8 4.5 3.6 डबल 9 45 मिनट, तो 9 किलोमीटर में 45 मिनट, 1 किलोमीटर में 5 और 10 किलोमीटर में 50 मिनट। क्या इसमें कोनो तुमको कोई दिक्कत है क्या, बोलो भैया। अगर इसमें भी दिक्कत है तो भैया बहुत दिक्कत है जीवन में। सवाल बताइए, सवाल अगला आ चुका है। अच्छा फिर से नाव और डिस्टेंस का सवाल आ गया क्या, दो दो सवाल लगातार हो गए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम करेंगे, कमाल है। बोलो बोलो बोलो, 8000 बच्चे पढ़ रहे हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू, धन्यवाद। नहीं बुझाया, क्या नहीं बुझाया भैया, है भैया क्या नहीं बुझाया? और दो इक्वेशन, अदरवाइज दो इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपको सब पता है भाई, दो दो इक्वेशन है, दो ठो इक्वेशन सॉल्व कर लो। चलो इधर देखो, द टाइम टेकन बाई ए बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज द सेम एज टाइम टेकन बाई टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वॉटर। ओहो हो, क्या आप मेरी बात समझे? सवाल में ई बोला है 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है। देखिए सेम टाइम, क्या दिख रहा है, सेम टाइम, क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? सेम टाइम, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पीड के। जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। आप खुद देखो, ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, ये अपस्ट्रीम की स्पीड है। डाउनस्ट्रीम में कितना गए, 13 किलोमीटर, अपस्ट्रीम में गए 7 किलोमीटर, टाइम सेम लग रहा है तो 13/7 आ गया। ये डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। देखिए डाउनस्ट्रीम क्या होता है बच्चे, डाउनस्ट्रीम जो होता है ना वो भाई मेरे एक्स प्लस वाई होता है मेरे प्यारे भाई, अपस्ट्रीम जो होता है x - y होता है। ये x y पता है ना, x होता है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, y होता है स्पीड ऑफ करंट। अगर आप यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ तो x बटे y कितना आ जाएगा, 13+7 20 बटे 13 - 7 6 यही आ जाएगा। बोलो, अबे कंपेंडो डिविडेंडो लगा दिया, 20/6 आ जाएगा, मतलब 10/3। सवाल में साफ साफ दे रखा है कि करंट की स्पीड 3 है, धारा की चाल 3 है, तो 3 का मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। तो आप खुद बताओ 10 का मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मेरे प्यारे भाई नाव की चाल आ गई शांत जल में। शांत जल में नाव छुचक छुचक करके कितने की स्पीड से चलती है,
10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोलो क्या इसमें कोई परेशानी है? कंपेंडो डिविडेंडो सभी भाई जानते हैं मेरे। आपसे पूछा है क्योंकि मुझे यही निकालना था, मैं पहले समझ गया। आपसे स्टिल वाटर में टाइम पूछा है तो स्टिल वाटर की स्पीड चाहिए। स्टिल वाटर में स्पीड, शांत जल में नाव की चाल 10 आ गई, तो शांत जल में अगर 44.8 किलोमीटर जाओगे 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तो टाइम कितना लगेगा? 4.48 आवर। मतलब ई दोनों तो आंसर नहीं है, 13/25 नहीं होगा, 12 ही आ पाएगा। 4 सही, 12/25 यही है क्या? अबे बोल दो भैया। यार मैं आपको एक सिंपल सी बातें बता चुका हूं कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। अब 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम है, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 13/7 आ गया। यहां से एक्स और वाई का रेशियो आ गया, ये दे रखा है, ये आ गया यहां से, सवाल कुछ नहीं है। ठीक है भैया आगे चले, एक सवाल और लेता हूं मैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, प्रस्थान करेंगे। सवाल नंबर जो भी है पता नहीं बताइए। देखो ये ट्रेन का सवाल है, ये इसी बार का सवाल है, ये 2019 के पेपर का ही सवाल है। क्या वो सोनू कुमार, क्या वो मेरे भाई? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक कमेंट लिख लिया बार बार उसे कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। भैया धीरे धीरे बता रहा हूं, और कितना धीरे धीरे बताऊं, है भी एसएससी की तरह हो जाऊं मैं। हाँ चलो मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा। गोलू देखो, ए ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए खंबा इज। वाह देखिए, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 60 सेकंड में क्रॉस करती है 72 की चाल से, किलोमीटर पर आवर में है, तो बताइए ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी? देखिए सवाल बड़ा ही बिल्कुल वाहियात है, आप खुद बताओ। ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 72 × 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में 5/18 यानी कि आ जाएगा 20। तो ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। देखिए जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना डिस्टेंस जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब ये प्लेटफॉर्म 180 मीटर भी पार किया गया है, तो ये 180 मीटर 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 9 सेकंड में पार हुआ। अब बताओ प्लेटफॉर्म को पार करने में 9 सेकंड लगा तो टोटल 60 सेकंड, तो रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 60 - 9 51 सेकंड लेगी। भैया क्या इससे आसान है? रेलगाड़ी की स्पीड आ गई मेरे प्यारे भाई 20 मीटर पर सेकंड, ट्रेन से पूछा है कि खंबे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ट्रेन खुद को पार करने में कितना टाइम लेगी। जब प्लेटफॉर्म 180 मीटर को पार करने में 9 सेकंड लिया तो बाकी का बचा खुचा 51 सेकंड खंबे को पार करने में, 60 - 9। भैया इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। और सवाल की तरफ हम आगे बढ़ गए, ये सवाल लीजिए, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है, मनमोहक मन लुभावना है भाई और आत्मा को तृप्त करने वाला, ठीक है ये सवाल है, बताइए जल्दी से। ठीक ठीक है भैया। बच्चे कह रहे सर हवाई फायरिंग हो रही है। अरे समझो फायरिंग तो हो रही है, अब तुम हवा में लपक के रोक लो उसे, श्रद्धा तुम्हारी है। है भाई चलो देखो इधर देखो, बड़ा सुंदर सवाल है भाई, सवाल दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें दिख तो रहा है ना? बोलो बोलो। देखो थोड़ा सा लंबा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन लंबा है नहीं, कुछ ध्यान से समझिएगा। ठीक है अच्छा, ए मोटर बाइक लीव्स पोंटे एट 1 PM
एंड मूव्स टूवर्ड बी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. देखिए एक मोटर बाइक जो है ये पॉइंट ए से निकलती है 1 बजे, मोटर बाइक निकलते बिंदु ए से 1 बजे बी के लिए. कार लीव्स पॉइंट बी एट 2 PM एंड मूव्स टूवर्ड्स पॉइंट ए एट यूनिफॉर्म स्पीड विच इज डबल दैट ऑफ मोटर बाइक. अच्छिया अच्छिया, दे मीट एट 3:40 PM. ओके ओके, पहले इतना लिख लेते हैं. देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. है भाई ध्यान से सुनिएगा, यहां से एक मोटर बाइक चली है 1 बजे, यहां से कार चली है 2 बजे, यहां से कार चली है 2 बजे, और ये दोनों बीच में मिलते हैं, दोनों बीच में मिलते हैं कहीं, ये दोनों यहां पे बीच में मिलते हैं कहीं सपोज, ठीक है. कितने बजे मिलते हैं? 3:40 पे. ये 3:40 PM पे यहां पे मिलते हैं. सवाल में दिया है कि कार की स्पीड जो है वो मोटर बाइक की स्पीड का दुगुना है. मतलब अगर मोटर बाइक की स्पीड 1 है तो कार की स्पीड 2 है. आपसे पूछा है दे मीट एट 3:40, 3:40 पे मिलते हैं एट ए पॉइंट विच इज 168 किलोमीटर अवे फ्रॉम मे. यहां मिले दोनों पॉइंट ए से कितने दूरी पर मिले? 168 किलोमीटर की दूरी पे. तो ये जो दूरी है ये 168 किलोमीटर की दी है. तो आपसे पूछा है ए और बी के बीच का दूरी बताओ, बता दो जरा ए और बी के बीच का दूरी. आपको ए से बी तक की दूरी बतानी है. ध्यान सुनना, यहां से है, यहां से निकली मोटर फटफटिया मोटरसाइकिल, यहां से निकली कार, कार दन दनाते हुए दुगनी चाल से, ये 1 बजे ये 2 बजे दोनों मिले 3:40 में दोपहरी में. ये जो है यहां पे पॉइंट ए से 168 किलोमीटर की दूरी पे मिले. तो आपसे पूछा है ए और बी के बीच की दूरी बताओ, दूरी निकालनी है. दूरी का रेशियो चाहिए, दूरी. देखिए बच्चा बच्चा जानता है दूरी बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम. ये है मोटरसाइकिल और भैया ये है मोटरसाइकिल और ये मेरे भाई कार. मोटरसाइकिल की स्पीड 1 है, कार की स्पीड 2 है. आप बताए मोटरसाइकिल ने कितना टाइम ट्रेवल किया? 1 बजे से 3:40 यानी कि 2 घंटा 40 मिनट. 2 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा + 2/3 घंटा यानी कि 8/3 घंटा. 8/3 घंटा कार ने कितना ट्रेवल किया है? 2 बजे से 3:40 यानी कि 1 घंटा 40 मिनट. 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 1 + 2/3 यानी कि 5/3 घंटा. तो आप बताओ स्पीड कितनी है? 1:2. टाइम कितना लिया? मोटर बाइक ने जर्नी की है 8/3 घंटा, कार ने जर्नी की है 5/3 घंटा, 1 घंटा कम. कार 1 घंटा कम. तो स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट है वही ना डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा. स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट है वही ना रेशियो हो जाएगा. तो ये आ जाएगा रेशियो, 3 से 3 कट जाएगा, 8:10. 8:10. आप ये देखिए मोटर बाइक ने कितनी डिस्टेंस चली? 168. तो 8 यूनिट का मतलब अगर 168 किलोमीटर है तो 10 यूनिट का मतलब कितना? 21 गुना है. तो 10 यूनिट का मतलब आ गया 210 किलोमीटर, 210. मतलब कार ने ये 210 किलोमीटर चला है. कार ने कितना डिस्टेंस चला है? 210 किलोमीटर. तो टोटल कितना हो गया? 378. टोटल डिस्टेंस है 378 किलोमीटर. और यही सवाल का आंसर है. बताओ भैया अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आता है? बोलो. क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? देखिए मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया सवाल को सॉल्व करने का. ये सवाल कैट के पेपर का 2017 का, और ये सवाल इतना आसान है, मुझे इतना अच्छा लगा इसलिए मैंने डाला. ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है. ये मोटर बाइक है, ये कार है, दोनों चलने बीच में मिले. तो आपको स्पीड दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है. स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट ही डिस्टेंस का रेशियो है. यहाँ ये इसने ये डिस्टेंस चली, इसने ये डिस्टेंस, डिस्टेंस 8:10 के रेशियो में. ये 168, 10 का मतलब 210 आ जाएगा. क्लियर है? बोलो क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? तो ये सवाल बहुत ही सरल था, मैं आगे सवाल लूंगा. 10 तो हो गया. यस, ये बताइए भाई सवाल नंबर 11 है.
बताइए जल्दी से। देखिए भाई, ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है, है भाई। प्लेस ए एंड बी आर 396 किलोमीटर अपार्ट, ट्रेन एक्स लीव्स ए फॉर बी एंड ट्रेन वाई लीव्स फ्रॉम बी फॉर ए एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे ऑन पैरेलल ट्रैक्स। अरे बोथ ट्रेन मीट आफ्टर 5.5 घंटा। देखिए, दो स्थान एक दूसरे से 396 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अब यहां से एक ट्रेन निकलती है इसके लिए और यहां से एक ट्रेन निकलती है इसके लिए, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। ये दो स्थान है, यहां से एक ट्रेन निकली इस यहां पे जाना है, यहां से एक ट्रेन निकली यहां पे जाना है, मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलती हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे से 5.5 घंटे के बाद मिलती हैं, दोनों ट्रेन एक दूसरे से 5.5 घंटे के बाद मिलती हैं। अगर y की स्पीड, द स्पीड ऑफ y 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ x, अगर y की चाल x की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है तो y की स्पीड बताइए, बताओ जल्दी से। वेरी गुड भाई, 41 जो है आंसर आ रहा है बच्चों का। देखो मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो बताओ कि एक ट्रेन यहां से यहां आ रही है और ये ट्रेन यहां से यहां आ रही है भाई, ये ट्रेन x है और ये ट्रेन y है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। जब दो ऑब्जेक्ट, दो रेलगाड़ियां, दो वस्तु एक साथ ट्रेवल करती है तो उनके कंपैरिजन में जो स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड होती है। एक दूसरे की तरफ चलनी तो रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 396 किलोमीटर और टाइम लगा 5.5, 5.5 घंटे का मतलब 11/2 आवर। तो 11 × 33 और ये 11 × 66 = 72, तो दोनों की स्पीड का सम 72 है, दोनों की स्पीड का सम 72 है। लेकिन सवाल में तो ये बोला है, सवाल में बोला है कि y की स्पीड x से 10 ज्यादा है, तो 72 में से 10 हटा लो कितना बच गया 62, तो ये भी 31 हो जाएगा, ये भी 31 हो जाएगा। अब जो 10 हटाया है वो y को वापस कर दो तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 41। नहीं समझे, देखिए कैसे ब्रेक करते हैं, दो इनका सम 72 किलोमीटर पर आवर है लेकिन y की चाल x से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो 72 में से पहले 10 हटा लो 62, अब ज्यादा वाला हटा लिया 62, दोनों को बराबर बराबर कर दो, ये भी 31 हो गया, ये भी 31 हो गया, 62 हो गया। जो 10 हटाया है y ज्यादा है तो y को दे दो, 10 ज्यादा है, 31 × 10 = 41। बोलो, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, यहां तक किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। सवाल नंबर लेंगे भैया हम 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। यस, बहुत बेहतरीन और शानदार सवाल है, ये वाला सवाल 2018 के पेपर का पूछा हुआ मेंस में, एज इट इज, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बड़ा शानदार सवाल है। 2017 के पेपर में भी हर शिफ्ट में ऐसा सवाल आया था, डाटा बदल बदल के। ठीक है भैया, छलांग वाले सवाल कराओ सर जी। अरे छलांग वाले सवाल सबको आते हैं यार, डिवाइड कर दो, ये छलांग पलांग सब पुराना हो गया, सब बच्चे कर लेते हैं। सर जी आपकी स्पीड और टाइम का रेशियो 100:1 है, अच्छा, और तुम्हारा उल्टा है 1:100, दोनों बैलेंस हो गया, क्या दिक्कत है। अच्छा भैया देखिए, टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर, ए ट्रेन, ट्रेन ए टेक्स 2 / 2/3 आवर्स मोर देन ट्रेन बी। 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए ट्रेन बी से 2 / 2/3 घंटा ज्यादा लेती है। इफ द स्पीड ऑफ ए इज डबल्ड, अगर ए की स्पीड को दुगना कर दें, इट वुड टेक 1:1/3 आवर्स लेस देन बी, तो ये बी से 1/1/3 घंटा कम समय लेगी, तो आप ये बताइए कि बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड क्या है।
देखिए इतनी सिंपल सी बात आपको समझनी चाहिए, आपको डिस्टेंस पता है कितनी जानी है 416 किलोमीटर, आपसे बी की स्पीड पूछिए तो मेरे जीवन का मकसद केवल एक है कि ट्रेन बी को टाइम कितना लगा, 416 किलोमीटर जाने में ट्रेन बी को टाइम कितना लगा। टाइम आ जाएगा तो स्पीड भी आएगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो हमारा जो मकसद है वो ट्रेन बी का टाइम निकालना है। देखिए सवाल में ये बोला है कि ये देखो ये ट्रेन बी का टाइम है, ये ट्रेन बी का टाइम है, इतने बजे ट्रेन बी जो है वो पहुंचती है। सवाल में ये दिया है कि ट्रेन ए जो है ये ट्रेन बी है भैया, ठीक है। सवाल में दिया है कि ट्रेन ए जो है ट्रेन बी से कितना ज्यादा समय लेती है, 2.3 घंटा। लेकिन ट्रेन ए की स्पीड को दुगना कर दी, मतलब हमने ट्रेन ए की स्पीड को दुगना कर दिया, स्पीड 1:2 कर दी। अगर स्पीड हमने दुगना कर दी ट्रेन ए की तो टाइम का जो रेशियो होगा वो रिवर्स होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है भैया, जितनी डिस्टेंस पहले थी 416 किलोमीटर आज भी उतनी है। तो अब ट्रेन ए को ट्रेन बी से 1:3 घंटा कम समय लग रहा है, यानी कि टाइम का रेशियो 2:1 हो गया। तो टाइम में कितना गैप आया, टाइम में गैप आया 1 यूनिट का, 2:1 है ना, टाइम में गैप आया 1 यूनिट का, जबकि ट्रेन ए के टाइम में गैप आया कितने का है, ये गैप कितने का है बताओ, ये गैप कितने का है, 4 घंटा। तो 1 यूनिट का मतलब एक यूनिट का मतलब 4 घंटा आ गया। तो कहीं से भी निकाल लो, अगर 1 यूनिट का मतलब 4 घंटा है, मतलब ये जो सेकंड वाला केस है, यहां ट्रेन ए को 4 घंटा लग रहा है, ट्रेन ए को 4 घंटा लग रहा है ट्रेन बी से 1:3 घंटा कम, तो ट्रेन बी का जो टाइम होगा वो 4+1:3 आवर यानी कि 5:1/3 आवर होगा। तो ट्रेन बी का टाइम पता चल गया मुझे ट्रेन बी का टाइम पता चल गया। चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, सेम आएगा, मेरे पास दोनों केस हैं। अगर 1 यूनिट का मतलब 4 घंटा है तो सेकंड केस में ट्रेन ए को 4 घंटा टाइम लग रहा है ट्रेन बी से 1:3 घंटा कम, तो ट्रेन बी का जो टाइम है वो ये आ गया। तो सवाल खत्म, आपसे ट्रेन बी की स्पीड पूछी है भैया, ट्रेन बी 416 किलोमीटर जाती है कितना समय में, 16/3 आवर में। तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 16 × 2 = 32 और 16 × 6 = 96, 26 × 3 = 78 किलोमीटर पर आवर, और यही आंसर है। भाई इतना बेहतरीन सवाल है क्या समझ नहीं है बताओ इसमें। ट्रेन बी के चक्कर में बेचारा ट्रेन ए को घुमा दिया, वो कोरोना के टाइम पे 40-40 ट्रेन गलत जगह पहुंच गई थी ना, वही सवाल है ये। ध्यान से देखो, ट्रेन बी से ट्रेन ए को इतने घंटा ज्यादा समय लगता है, जब स्पीड दुगुना करी तो ट्रेन बी से इतना कम समय लगता है। तो स्पीड का रेशो ये, टाइम का रेशो ये, टाइम में गैप 1 यूनिट का, जबकि टाइम में गैप ट्रेन ए में 4 घंटे का है, और यहीं से सब कुछ निकल जाएगा। अब फिर से क्या समझाएं, सर आपका आवाज सनी देओल जैसा है, अजीत कुमार तुम्हारा भी राजपाल यादव जैसा है, हैं? कहां सनी देओल कहां हम बताओ, हैं? कुछ भी मतलब कुछ भी। सवाल नंबर 13 आ चुका है, चलो 13 कर लेते हैं। बोलो है भाई, हाँ देखो ये वाला सवाल भी आपके पेपर का पूछा हुआ, बड़ा सिंपल और सरल सा सवाल है भाई। अगर तुमने मुझे ये वाला सवाल नहीं बताया तो मैं ये सवाल तुम्हें बता दूंगा फिर, ठीक। अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की ऊर्ध्व प्रवाह दूरी तय करता, ऊर्ध्व प्रवाह देखिए बड़ा कठिन सा शब्द है। अभी जो है अपस्ट्रीम जाता है 28 किलोमीटर 4 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई, अगर 4 घंटे में 28 किलोमीटर तो 1 घंटे में 7, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 7।
डाउनस्ट्रीम 50 किलोमीटर 2 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम 50 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 25, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 25। आपसे पूछा 44.8 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना समय लगेगा, तो स्टिल वाटर की स्पीड क्या होती है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों का एवरेज यानी कि 16। तो स्टिल वाटर में स्पीड आ गई 16, 25, 7, 32 का आधा 16, सबका आ गया भाई इसका उत्तर, स्टिल वाटर में स्पीड 16 है। और सवाल में पूछा कि 16 की स्पीड से इतना डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा, बटा 16, 16 दूनी 32, 16 8 2.8, और ये आंसर है, है ना, है ना फर्जी सवाल, लेकिन ये सवाल पेपर में पूछा है और यही पूछेगा, कोई दिक्कत है इसमें, इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को दिक्कत है। आगे मैं बढ़ रहा हूं, अरे यार ये तो बंद ही हो गया, ये वही शीट है ना, हाँ ठीक है। सवाल नंबर 14, यस, अब कुछ खूंखार सा आया है, खूंखार नहीं है ये भी आसान ही है, क्या ही खूंखार करें अब हम एलजेब्रा भी कराएंगे भैया, एलजेब्रा तो इतना शानदार करा देंगे, क्या ही बताएं। चलो देखो, ए ट्रेन लीव्स स्टेशन एट 5 AM एंड रीचेस स्टेशन बी एट 9 AM ऑन द सेम डे, अनदर ट्रेन लीव्स स्टेशन बी एट 7 AM एंड रीचेस स्टेशन एट 10:30 ऑन द सेम डे, द टाइम एट विच द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर। देखे मेरे प्यारे भाई, दो स्टेशन है, ये दो स्टेशन है, ई हो गया स्टेशन ए और ये हो गया दोस्त स्टेशन बी। एक ट्रेन ऐसी है जो पॉइंट ए से निकलती है मॉर्निंग में 5 बजे, मॉर्निंग में 5 बजे निकलती है और यहां 9 बजे पहुंच जाती है, खूंखार ट्रेन है, 5 बजे चली और 9 बजे पहुंच गई। अब दूसरी ट्रेन है वो बी से निकलती है मॉर्निंग में 7 बजे, 7 बजे निकलती है और 10:30 बजे पहुंच जाती है ए पर, यानी कि ये जो है 7 से 10:30 कितने घंटे में, 3.5 घंटे में पहुंच गई। ये कितने घंटे पहुंची, 5 से 9, 4 घंटे में, तो ये बीच में कहीं ना कहीं मिली होंगी, ये बीच में कहीं ना कहीं मिली होंगी, यही पूछा है कि बीच में कितने बजे मिली, यही पूछा है कि बताइए ट्रेन बीच में कितनी बजे मिली। देखो सवाल बहुत आसान है, देखिए अगर पेपर में ऐसा कोई भी सवाल आए तो हमें डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, आप हमेशा 4 और 3.5 का एलसीएम होता है, 4 × 3.5 14 है, तो मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस 14 किलोमीटर है, 4 × 3.5 मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस 14 किलोमीटर है, दिस डिस्टेंस इज 14। अगर ये डिस्टेंस 14 किलोमीटर है तो ये ट्रेन 4 घंटे में पहुंचते, स्पीड कितनी होगी 3.5, इस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 3.5 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। दूसरी ट्रेन ये 14 किलोमीटर 3.5 घंटे पहुंचती है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, क्या इसमें कोई परेशानी है। मैंने 4 और 3.5 दे रखा था ना टाइम, टाइम का रेशियो मैंने डिस्टेंस मान लिया, 14 किलोमीटर 4 घंटे में तो 1 घंटे में 3.5, इसकी स्पीड आएगी 4। अब आप खुद बताओ ये ट्रेन 5 बजे चली है ये 7 बजे, तो ये ट्रेन 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे अकेले तोड़ती रही, अगर 1 घंटा में 3.5 किलोमीटर तो 2 घंटे में कितना भाग जाएगी 7 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 7 किलोमीटर भाग गई, ये 7 किलोमीटर भाग गई और ये 7 बजे यहां पे आ गई। अब ये ट्रेन 7 बज चुके हैं भाई, कितने बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं, यहां पे आ गई, अब 7 बजे ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, अब डिस्टेंस कितनी कवर करनी है दोनों को, केवल 7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, ये 3.5 की स्पीड से 4 की स्पीड से, तो स्पीड कितनी होगी 7.5, तो यानी कि टाइम कितना लगेगा 7 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये टाइम लगेगा, बताइए क्लियर है भाई। तो ये कितना आ जाएगा 14/56, 14/15 ना, तो 14/15 आवर, आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 14 चौका 56 होता है, तो 7
और प्लस 56 मिनट, तो 7:56 पे मिलेंगी। यहां तक कोई परेशानी है? बताओ दोस्त, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ट्रेन 5 बजे चली है 7 बजे, तो 5 बजे से 7 बजे तक ये अकेले जोड़ी 2 घंटे, 2 घंटे में कितना जाएगी? 7 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस 7 किलोमीटर बची, 7 किलोमीटर की डिस्टेंस ये इधर से आ रही है, ये वाली ट्रेन इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है 3:30 की स्पीड से, 4 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 7:30। तो एक दूसरे को कितने समय मिलेंगी? 56 मिनट में। तो 7:56 बाद एक दूसरे से मिली तो कितने बचे? 7:56 पे। बोलो क्या इसमें कोई परेशानी है? बहुत सुंदर सवाल था, 7:56, सभी का उत्तर आ रहा है। एक और सवाल लूंगा भैया मैं ऐसा, सवाल नंबर 15। हाँ ये और बता दीजिए फटाफट। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं इनकी पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सभी लोग टेलीग्राम जो है वो चैनल वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। ए पर्सन ट्रेवल्ड फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी 40 की स्पीड से एंड फ्रॉम बी टू ए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इंटायर जर्नी टुक 6.3 आवर्स, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? देखिए ए से बी तक गया 40 की स्पीड से, वापस आया 30 की स्पीड से, ये स्पीड है, ये स्पीड है। ए से बी तक 40 की स्पीड से, वापस आया 30 की स्पीड से, स्पीड है। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। ए से बी से बी तक गया, बी से ए तक 40 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से वह स्पीड है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 3:4। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा 3:47, जबकि टोटल टाइम लगा 6.3 आवर्स। तो 7 यूनिट का मतलब 6.3 आवर्स, तो 1 यूनिट का मतलब 0.9 आवर्स। अगर 1 यूनिट का मतलब 0.9 आवर्स है तो 3 यूनिट का मतलब 2.7 आवर्स, 2.7 आवर्स। मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में ए से भी 2.7 घंटा लगे, तो डिस्टेंस कितना है? 40 × 2.7 किलोमीटर यानी कि 108। ये वाला सवाल तो बहुत ज्यादा आसान था, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में तो किसी को कोई तकलीफ भी है, ठीक है। एक और सवाल लूंगा मैं, सवाल नंबर 16 ही बताइए। अच्छा ये और बता दो, चलो बड़ा बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, देखो ध्यान से। बिहार में वोट किसको दें? जो तुम्हारा भला करे उसी को वोट दो, है भाई। देखिए द व्हील्स ऑफ बाइसिकल ए एंड बी हैव रेडियाई 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। While traveling a certain distance, each wheel of A required 5,000 more revolution than each wheel of B. If bicycle B traveled this distance in 45 minutes, then its speed in kilometer per hour was. देखे मेरे प्यारे भाई, दो साइकिल हैं, ध्यान से देखिए ना, दो साइकिल हैं, साइकिल ए और साइकिल बी, दो साइकिल हैं। अगर मैं बात करूं तो उनकी रेडियस दे रखी है, दो साइकिल हैं ए और बी, उनकी रेडियस दे रखी है। वही एटलस साइकिल की कंपनी जो घाटे की वजह से बंद हो गई, वही साइकिल है। दो साइकिल है जिनकी रेडियस है 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ये उनके जो पहिए हैं ना, पहिए की रेडियस है। अब किसी सर्टेन डिस्टेंस को जाने में पहिए ए को पहिए बी से 5,000 ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप खुद बताओ भैया,
साइकिल ए छोटी होगी, साइकिल बी बड़ी होगी, इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस ज्यादा है। तो आप बताओ कि सेम डिस्टेंस जाने में इसको ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसको कम चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अगर रेडियस 30-40 है 3:4 के रेशियो में, तो सेम डिस्टेंस कवर करने में जो उनको चक्कर लगाने पड़ेंगे वो चक्कर का रेशियो 4:3 रिवर्स होगा क्या? रिवोल्यूशन का जो रेशियो होगा क्या वो रिवर्स होगा क्या? आप ये बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर पहिए ए की रेडियस 30 सेंटीमीटर है 40 सेंटीमीटर, ये पहिया छोटा है ये पहिया बड़ा है, अगर इनको बराबर दूरी जानी है तो ये पहिए को ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसे कम चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर इनकी इसकी रेडियस 30 है इसकी 40 है, तो अगर ये 4 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी जाएगा? 120। ये 3 चक्कर जाएगा तो कितनी, ये 3 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी जाएगा? 120। तो यानी कि यहाँ पर रिवोल्यूशन का जो रेशियो वो रिवर्स होना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल रिवर्स होना चाहिए, लेकिन सवाल में ये बोला है कि पहिए ए को बी से 5000 चक्कर ज्यादा लगाने पड़ते हैं, तो ए को कितने ज्यादा चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? बी से 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब आपको यहां पे 5000 दे रखा है। आपसे बी की स्पीड पूछी है तो 3 यूनिट का मतलब आ गया 15000, यानी कि जो साइकिल बी है उसके पहिए को 15000 चक्कर लगाने पड़े, 15000 चक्कर, ठीक है। इफ साइकिल बी ट्रेवल्ड दिस डिस्टेंस इन 45 मिनट, यानी कि ये जो 15000 चक्कर हैं ये 45 मिनट में लगाए हैं, तो आपसे पहिए साइकिल बी की स्पीड पूछिए। आप बताओ अगर इसकी स्पीड पूछिए, स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में पूछिए, किलोमीटर पर आवर में, बड़ा बेहतरीन सवाल है। आप बताओ अगर ये जो पहिया बी है इसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर का मतलब होता है 40×10⁵ किलोमीटर, यही होता है। तो अगर किसी पहिए की रेडियस ये है तो एक चक्कर में कितने डिस्टेंस जाएगा? 2πr, एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस जाएगा इतने किलोमीटर, तो 15000 चक्कर में कितने डिस्टेंस जाएगा? 15000। इतने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है पहिया कितने समय में? 45 मिनट में। तो 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 आवर। तो यहां से क्या पहिए बी की स्पीड नहीं आ जाएगी? यहां से पहिए बी की स्पीड आ जाएगी। आप खुद दो को तो 3 0 से 0, तो ये 10⁻¹ रह जाएगा, 10⁻¹ रह जाएगा, और ये 15 × 2 = 30, 30 से ये तुम्हारा 10⁻¹ कट जाएगा, 3 × 3 = 12π, 12π/3/4, तो 3 × 12 है, 4 × 16π, तो पहिए बी की स्पीड कितनी आ गई? 16π। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। जिस बच्चे को ये सवाल समझ में आया है ना, उस बच्चे को अंदाजा लगा होगा कि इस सवाल की खूबसूरती के बारे में। पहिए बी की जो रेडियस है वो इतनी है, अगर रेडियस इतनी किलोमीटर है तो आप बताओ एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस जाएगा? 2πr, 15000 चक्कर में 15000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी डिस्टेंस 3/4 घंटे में गया, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? स्पीड निकाल ली 16π। सबको समझ में आ गया? ठीक, चलिए। तो ये मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सारे सवाल करा दिए, लगभग हमने हर पैटर्न को टच करने की कोशिश की है। कतई जहर वाला भी सवाल मैंने आपको कराया, और सिंपल बेसिक जैसा पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। इन सभी सवालों के पीडीएफ मैं आपको फेसबुक पे भी डलवा दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, कल संडे है, जितना भी आपने मैंने पढ़ाया आप उसको रिवाइज करो। सबसे पहली बात कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट कम से भी कम पिछले 3 साल को तो आपको पेपर्स लगा के ही जाने, तब जाके उसका कुछ आपको फायदा होकर मिलेगा, ठीक है। तो आप रिलैक्स करिए, सो जाइए भाई, गुड नाइट।